हाय एवरीवन, व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले मेरे बच्चों जिंदगी? सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी सेशंस को कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम कर रहे हैं। तो आई होप ऑलवेज रेडी फॉर इट। हमने इंटेक्स के सवालों को स्टार्ट किया, यानी कि आपके चैप्टर के बीच के सवालों को स्टार्ट किया है, और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 152, जो आपके एनसीईआरटी का पेज 152 है, उसमें तीन सवाल है वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर के बीच में, तीन सवाल है क्वेश्चन 1, 2 और 3, और हम उनको टारगेट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी और उसके फॉर्मूला से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तीनों के तीनों शायद आपके एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं, तो डेफिनेटली नॉट मिस इट आउट। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि भाई हमने किया है सारे बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट की नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखना। यस, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर इन द मोस्ट डिटेल वे पॉसिबल। आप देख सकते हो साइंटिफिक वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, आपका डाउट्स एंड मेंटी क्वेस्ट सेपरेट एक सेशन में पूरा का पूरा हमने किया हुआ है। डेफिनेट चेक आउट दिस वीडियोस, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, मैंने भी, टू क्रिएट दोस वीडियोस, है ना, डेफिनेट चेक इट आउट। और जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है फॉर द लास्ट एंड द फाइनल मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली दिस इज द टाइम, क्योंकि आपके जो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस है वो एकदम नीचे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली गो फॉरवर्ड एंड चेक इट आउट, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और कैन गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर लिंक विच इज vdnt.in/ytpro। मेरा कूपन कोड है AKPRO एंड यू विल गेट 2 months ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्जैक्टली एट 1600 rupees। Definitely don't miss it out. Okay, go ahead and check it out. Now moving on forward to the first question for today. It's a very interesting, it's a very easy one. आप लोगों को पता ही होगा, इसमें यहाँ पे generally बस एक simple तरीके से पूछा गया है, what is the kinetic energy of an object? यानी कि you have to define what is the kinetic energy. We all know now that kinetic energy is basically the energy of an object during its motion or by the virtue of its motion. यानी कि अगर एक object को move होना है, उसमें जो एनर्जी चाहिए वो होती है काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी स्पेंड होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे, विच यू कैन एक्चुअली गिव इट अप इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन 9th grade। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, डेफिनेट चेक दैट आउट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। We know that the expression of the kinetic energy is K is equal to half mv square, और थोड़ा सा impress करने के लिए examiners को given in joules, खत्म, ठीक है, it's given in joules, you can write down joules completely, and or you can just write down in J bracket में, it would mean कि SI unit उसका joules में आएगा, so K is equal to half mv square is the formula for or the expression for your kinetic energy. One more question, simple and straightforward. Moving to a very interesting numerical जो इस इंटेक्स पेज में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, ये सबसे खतरनाक सवाल है इस पूरे सेशन का, और बहुत बच्चे इसमें गलती करते भी हैं, देखते हैं कि ये गलती और दोबारा कैसे ना हो सके। The kinetic energy of an object of mass m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितना बोल रहे हैं, moving with a velocity of 5 meters per second, इसकी velocity, ये object move हो रही है with a velocity of 5 meters per second, और इसकी kinetic energy आपको दी गई है 25 joules, okay, interesting, what will be its kinetic energy when its velocity is doubled, लल्लू question एकदम, आपको पता ही है बहुत clearly कि kinetic energy is equal to half mv square, object का mass तो constant है यहाँ पे, तो यानी कि we can very clearly say that kinetic energy is proportional to v square, यानी कि velocity v square के proportional है आपका kinetic energy, क्योंकि mass यहाँ पे constant है, object same है ना, mass constant है यहाँ पे, correct, तो mass उसकी कितनी है, दी भी नहीं है, फर्क पड़ता भी नहीं है। तो अब ये बोला गया है कि अगर आपकी velocity double हो जाती है, अगर आपकी velocity जो है 2 times हो जाती है, 2 meter per second 2 times हो जाती है, यानी कि आपकी जो नई velocity है वो हो गई पुरानी velocity के double, तो kinetic energy पे क्या असर पड़ेगा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, तो आपका kinetic energy का value है 25 joules। अगर मेरा वेलोसिटी, मान लेते नया काइनेटिक एनर्जी इज जाके प्रोपोर्शनल टू दी वी डैश स्क्वायर, यानी कि नया वेलोसिटी, सो के डैश वुड बी इक्वल टू वी डैश, क्या आपका पुराना वेलोसिटी का डबल, कितना आ जाएगा, के डैश वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4v स्क्वायर, करेक्ट, तो यानी कि आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल था, लेकिन आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो चुका है वी स्क्वायर के, दैट मीन्स योर काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज 4 times, करेक्ट, आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ चुकी है, तो 25 जूल्स का काइनेटिक एनर्जी, 25 जूल्स दी गई है, उसका 4 गुना कितना होता है, 100 जूल्स, करेक्ट, 25 into 4 is 100 जूल्स, सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं बाकी पार्ट की, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 times, सेम आंसर, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 times, सो के डबल डैश वुड बी इक्वल टू 3v स्क्वायर, आपने वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा भाई, निकलेगा ये 9v स्क्वायर, है ना, 3 into 3 9v स्क्वायर, करेक्ट,
सिंपल एज दैट, 3 × 3, 3 × 3 का 3 का स्क्वायर, नहीं बोल रहा 3 × 3, सही बात है। हाँ, एनीवेज के डबल डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9V² तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 9 गुना बढ़ चुकी है, अभी 3 गुना जब वेलोसिटी बढ़ता है क्योंकि उसका स्क्वायर 9 होता है, काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ चुकी है। सो इफ आई लुक इनटू द काइनेटिक एनर्जी, 25 जूल्स को अगर मैं 9 टाइम्स करूंगा तो हो जाएगा 225 जूल्स एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सच एन इजी क्वेश्चन, इज़न्ट इट? बट थोड़ा लेंथी है तो कैन इजीली एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले पार्ट के लिए 1.5 मार्क और दूसरे पार्ट के लिए 1.5 मार्क। इस सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इट। ठीक है, तो पीपल वी कंप्लीटेड टुडे पेज नंबर 152 के क्वेश्चन 1, 2 और 3। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुकिंग इनटू पेज नंबर 156 क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। ये चारों चार सवाल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप ऑलवेज एंजॉयड इट, इफ इन केस यू डिड मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था आज का। मेरे तीसरा वाला ही था, उसमें मजा आया, उसमें कुछ करने के लिए था भी, है ना। तो बच्चों एक जोरदार बल्ले बल्ले, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस, अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। I'll catch you guys in the next one. Peace.